मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, सुबह का दिन है और अभी 12 बज गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए बना लूँ। ये थोड़ा पास्ता पड़ा हुआ था तो इसको मैं मैकरोनी की तरह यूज़ करूँगी। थोड़ा ये डाल के और कुछ नूडल्स डाल के इसको मैकरोनी की तरह बना लूँगी। ये पानी बॉयल होने के लिए रखा है, अभी जैसे ये बॉयल होगा तो फिर इसमें ये पास्ता डाल देंगे और देन लेट्स डू दिस। फिर बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। कहते हैं कि इसमें वन टीस्पून ऑयल डालना चाहिए ताकि पास्ता चिपके नहीं। अब मेरे पास ऑयल नहीं है, घी है, सो मैं घी डाल रही हूँ। और आपको ऑयल डालना है तो आप ऑयल डाल सकते हैं और साथ में डालेंगे नमक। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये नमक डाल दिया, अब इसको बॉयल आने देते हैं, देन इसमें पास्ता डालेंगे। अच्छा, ये आपको एक चीज़ दिखानी थी, आप पूछेंगे कि ये क्या है। ये देखिए, एक क्लिपर है किसी भी चीज़ को सील करने के लिए, यानी बंद करने के लिए। आप कोई भी चीज़ खोलते हैं ना, बिस्किट हो गया, न्यूडल्स, वट एवर, जो भी। जैसा कि मैंने ये पैकेट खोला था और ये जब बाकी बची हैं तो उनको मैंने इस तरह क्लिप के साथ बंद कर दिया। इट इज़ सो इजी टू यूज़। ये बड़ी देर का मैंने क्लिपर हाथ में पकड़ के ब्लॉक कर रही हूँ तो ये बहुत मुश्किल होता है हाथ से कंट्रोल करना। तो सो देखें कितना मज़े का ये बंद हो गया। और ये बहुत चीप लिया था मैंने, मतलब 150 की आई थिंक 6 या 7 इसके पीस हैं। सेम चीज है जी। अबाउट टू बॉयल, अब इसमें मैं डाल दूँगी पास्ता। बाद मैंने खाया ही नहीं, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज किया जाए। वो तो ऐसे ही पड़ी है, उस वक्त से दिल ही नहीं किया उसके बाद खाने को। मतलब मुझे वॉमिटिंग लिटरली होने शुरू हो गई है। तो अब मैंने सोचा कि इसको ना मैं पास्ता के अंदर डाल के नूडल्स को यूज कर लेती हूँ। तो मैं इसको यूज करने लगी भी आपको का बॉयल आ रहा है। मम्मी आप क्या कर रही हैं, पानी तो नहीं है, क्या कर रही हैं? पानी ला रहा पंप में, इसलिए तो मैं लगा रही हूँ। देखिए, स्पेगेटीज या नूडल्स या जो भी आपने बनाना है, या क्या कहते हैं मैकरोनी, ज़रूरी नहीं आपके पास चिकन हो तो फिर ही आप बनाएं। आप खाली वेजिटेबल्स का भी तो बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। अभी मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं है, बट वेजिटेबल्स थी, मैंने वो सब डाल दिए हैं, तो अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने स्पेगेटीज डाल दी है, अब इसको मिक्स कर रहे हैं। कैसे बना?
मैं आपसे पूछी थी कैसा बना, देख ले बस अच्छा चिकन नहीं है। बहुत अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा बना। खाली वेजिटेबल का भी सेम वही टेस्ट है। जी नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लूँ उसके बाद? जी मैंने बनाना है चटनी, जो कि एक मैंने बनाए थे सिंपल दही भल्ले, मीठे दही भल्ले, अब बनाने लगी हूँ चटनी वाले, ग्रीन चटनी वाले। तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद करते हैं। जी चटनी बन गई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है, अभी तो खा के पता चलेगा और कि कितनी अच्छी बनी है। इसको रख देते हैं फ्रिज में, ये पहले की चटनी पड़ी है। और बाकी ये दही भले भी बने, आज बने हैं काले चने, काले चने बने, बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे तो चावलों के साथ अच्छे लगते हैं, आप लोग बताइए आपको किसके साथ अच्छे लगते हैं। और ये खाएंगे हम रोटी के साथ, चावल नहीं बनने वाले, सब बीमार हैं इस वजह से, तो रोटी बनेगी। भाई को बोला था कस्टर्ड लेकर आओ मैंगो फ्लेवर या बनाना, तो वो जनाब ये ले आएंगे जी, वो और आप ही कोई मिला ही नहीं, तो ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद। सो इसको चेंज करवाएंगे फिर, आई थिंक कल ही बनाया गया कस्टर्ड, अब कल ही बनेगा। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, बाय।